नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि टी नाम वाले जातक एवं वाई नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है। उसके बाद वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि जो भी वाई नाम वाले जातक होते हैं वो आखिर होते कैसे हैं। मित्रों, इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा गंभीर, बहुत ज्यादा शांत होते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करने में जल्दीबाजी नहीं करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सारी बातों को पता करते हैं एवं सारी बातों को पता करने के बाद ही कोई भी फैसला करते हैं। एवं इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने कीमती समय को बर्बाद करना या अपने समय का मिस यूज करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वैसे इसके अलावा यदि टी नाम वालों की बात करें तो टी नाम वाले जो भी जातक होते हैं इनको हमेशा अपने जीवन में स्वतंत्र होना, आजाद होना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एवं ये कभी भी अपने जीवन में अपने स्वतंत्रता के साथ में, अपनी आजादी के साथ में कोई भी समझौता करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में अपने आजादी को, अपने स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा सम्मान, बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन इसके अलावा इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं एवं हमेशा अपने जीवन में छोटी मोटी बातों पर बहुत ज्यादा क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में आपसी परेशानी बहुत ज्यादा होती है। मित्रों, टी नाम वाले जातक एवं वाई नाम वाले जातक इन दोनों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो सामान्य रूप से सही रहेगा। यानी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में एस्ट्रो फॉर यू को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय बाबा भैरव आप कमेंट अवश्य करते एवं वीडियो हर जगह शेयर करते। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।